हेलो दोस्तों, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था कि मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से कुछ अपडेट आ रहा है क्या सर, तो कुछ अगर आ रहा है तो सर बता दीजिए। तो चलिए, मुंबई यूनिवर्सिटी का अपडेट आ चुका है और मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और उधर ही दिखाता हूँ कि क्या अपडेट आया हुआ है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर वो FY का स्टूडेंट हो, SY का हो या TY का हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट है। अगर आप चाहे तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी PDF डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ PDF डाउनलोड करके आप रीड करने के बजाय मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। दोस्तों ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, यही सर्कुलर है। दोस्तों ये सर्कुलर 3 बजे आया था, मैंने 3 बजे इस सर्कुलर को देख लिया था, लेकिन मैं तुरंत वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज मेरे क्लास में ऑनलाइन स्टडी का प्लान था और मैं लेक्चर ले रहा था, जिसके वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज मेरा उधर वीडियो चल रहा था। तो दोस्तों अब भी मैं वीडियो बना रहा, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों तक का इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की मेरी ड्यूटी है, मैं पहुंचाऊंगा डेफिनेटली आप लोगों तक। तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने ये जो सर्कुलर है, देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्कुलर है, 18 मई का है, जो आज की तारीख का ही है। ठीक है दोस्तों, ये जो सर्कुलर, हम इसके हर एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जितना भी ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 21 जितने भी पॉइंट है, इसके बारे में सब जो मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है, सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। न्यू व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, बता दूं आपको कि अगर आपका सेमिस्टर वाइज मतलब एग्जाम होते हैं, मतलब फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर, तो जिनके 2 साल के एग्जाम होते हैं कि 2 साल में उनका पूरा डिग्री कंप्लीट हो रहा है, तो वैसे स्टूडेंट के 4 सेम के एग्जाम होंगे। ठीक है, अगर आप TY में, तो आपको पता है TY BCOM का अगर स्टूडेंट है या BMS के स्टूडेंट है, तो इनके 3 साल के कोर्स होते हैं। ठीक है, मतलब डिग्री 3 साल में कंप्लीट होती है, तो इनके 6 सेम का मतलब जो लास्ट सेम है उनके एग्जाम है, जिनका 4 साल का होता है कोर्स उनके 8 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, जिनके 5 ईयर का कोर्स है उनके 10 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। मतलब दोस्तों जो एकदम फाइनल सेमेस्टर होते हैं ना, उसके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और अगर किसी का वर्ष में मतलब साल में एक ही बार एग्जाम होता है, ठीक है, तो अगर वो 1 साल के कोर्स है तो जो लास्ट ईयर का मतलब 1 साल का ही एग्जाम होगा, अगर किसी का 2 साल का कोर्स है तो दो एकदम लास्ट सेकेंड ईयर का जो है उसका एग्जाम होगा, अगर किसी का 3 साल का कोर्स है तो जो थर्ड ईयर है उसका एग्जाम होगा, अगर 4 ईयर का है तो 4 साल का जो भी एग्जाम रहेगा उसका एग्जाम होगा। अगर सेमिस्टर वाइज बोलने जाओ तो लास्ट सेमिस्टर का एग्जाम होने वाला है, अगर किसका ईयरली पैटर्न है तो उसके लास्ट ईयर का पैटर्न का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा जो काफी इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है जिनको KT लगा हुआ है, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट, TY के स्टूडेंट है, अगर उनको KT लगा हुआ है तो दोस्तों आपके KT के एग्जाम होने वाले हैं, ये समझ के चलिए आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट TY का है और उसको FY और SY का KT लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, FY और SY का KT लगा हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों का जुलाई में एग्जाम लिया जाएगा ATKT का। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ के चलो TY स्टूडेंट को कि आपको अगर कोई भी KT है, बैकलॉग के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को KT का एग्जाम देना होगा और आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना चालू कर दो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आगे का पॉइंट देखते हैं, 4 पॉइंट में क्या दिया हुआ है। दोस्तों ये जो आपका पोर्शन आने वाला है, जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है, समझे आप TY के स्टूडेंट हो तो आपको कितने पोर्शन एग्जाम में आने वाले, आपके कॉलेज ने 30 मई 2020 तक जितने भी पोर्शन पढ़ा दिए, टॉपिक पढ़ा दिए, उतने पोर्शन आने वाले, मतलब अगर इन शॉर्ट बोलने जाओ तो 95% आपके पोर्शन आने ही वाले हैं। 30 मई तक का तो हर कॉलेज के पोर्शन कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो इधर तक के तारीख तक के जितने भी पोर्शन होंगे आपके कॉलेज के, वो पोर्शन के एग्जाम होने वाले। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप मुझे बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मेरा इंस्टाग्राम ID मैंने आपको दिया हुआ है, आप मुझे वहां भी मैसेज करके वॉइस कॉल, वीडियो कॉल से भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो दोस्तों। अच्छा, 6 अपना फिर हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा है, 5th। ठीक है दोस्तों, 5वें पॉइंट में दिया है कि एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो पत्र 1 में मिल जाएगा। तो दोस्तों पत्र 1 हम ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये तुम्हारा है
ये वाला दोस्तों इसमें यही दिया हुआ है कि अगर कोई थर्ड ईयर मतलब थर्ड ईयर तक का जिसका कोर्स है तो उसको थर्ड ईयर का एग्जाम देना पड़ेगा, किसी का सिक्स सेम का है तो सिक्स सेम का या फिफ्थ या सिक्स सेम का जो स्टूडेंट होंगे उनके एग्जाम देने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट फोर और सेकेंड और फोर सेम के हैं मतलब एफवाई और एसवाई वाले स्टूडेंट तो इनको 50-50% के द्वारा प्रमोट किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने काफी बार बात कर चुका हूँ। ठीक है, अगर कोई किसी को केटी लगी हुई है फर्स्ट सेम सेकेंड सेम थर्ड सेम फोर्थ सेम या फिफ्थ सेम में तो उनको एग्जाम देना ही है केटी का, मतलब ये टीवाई वालों को लेके काफी इंपॉर्टेंट बात हो रही है इस चीज को लेके। तो और कौन कौन से कोर्स है दोस्तों, इधर पूरा मेंशन किया हुआ है बीए बीकॉम बीएमएस बीबीआई, ठीक है इधर पूरे ये कोर्स है आप देख लेना। मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा या तो मैंने आपको दिखा भी दिया है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे एकदम इजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने सब कोर्स के बारे में इधर दिया हुआ है। तो चलिए मैं ऊपर फिर से चला जाता हूँ, अपना जो सर्कुलर है उसके ऊपर चले जाते हैं हम। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम सर्कुलर पे आ गए। तो अब हमारा है सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बोला हुआ है कि अगर जो नॉकडाउन किया हुआ था, ठीक है फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज बहुत जल्दी बंद हो गया, आपका अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका अटेंडेंस कम है, तो ये जो नॉकडाउन के टाइम जो है उसके अटेंडेंस उसमें काउंट कर दिए जाएंगे। मतलब समझो कि आपके पास 30-40% अटेंडेंस थे तो इस बार जो नॉकडाउन हुआ है जितना दिन कॉलेज बंद था उसको हम अटेंडेंस 100% अटेंडेंस मान के आपको दे दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों आप लोगों का अटेंडेंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट को था अटेंडेंस का प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। ठीक है, अब ये वाला जो है अंतिम वर्ष के स्टूडेंट को छोड़ के जितने भी स्टूडेंट है उनको 50-50% के बेस पे प्रमोट करने का जो प्लान बताया हुआ था उदय सावंत जी ने, इसके बारे में तो पहले से ही बोल दिया हुआ था कि जो भी एफवाई एसवाई के स्टूडेंट होंगे उनको 50-50% को देख के मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो 50-50% जो होंगे दोस्तों, अगर आपको कोई भी केटी रखा लगा हुआ केटी बाकी है तो आपके केटी के जो भी एग्जाम है वो 120 डे के बाद कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। मतलब आपको एफवाई या एसवाई में कोई केटी है बाकी है तो केटी के दोस्तों आप लोगों को एग्जाम देने ही होंगे, जो मैं पहले से ही वीडियो में एकदम क्लियर बोल रहा था कि केटी वालों का एग्जाम होगा, केटी वालों को प्रमोट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों केटी वाले को ये समझ के चलना ही है। ठीक है, 9 पॉइंट भी टीवाई वालों के लिए नहीं है, जो एफवाई एसवाई स्टूडेंट है उनके लेके है, मतलब सेकेंड सेम फोर्थ सेम सिक्स सेम और एट सेम के जो भी स्टूडेंट है उनको 50-50% के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। जो हमने बताया हुआ था कि इंटरनल मार्क्स जो होंगे आपके मतलब आपके पास एक्सपीरियंस को देख के मार्क्स दिए जाएंगे 50% और आपके 50% आपके इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब आपके असाइनमेंट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी होंगे उस बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, दसवें पॉइंट में बात कर लेते हैं। अगर किसी का एनुअल पैटर्न है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी वालों के लिए नहीं है, ठीक है मुंबई यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक अलग से पॉइंट आया है, इसके अंदर ही है, मैं आपको दिखाता हूं। 18 पॉइंट है वो मुंबई यूनिवर्सिटी वालों के लिए आइडियल स्टूडेंट के लिए, तो हम उधर तक पहुंचेंगे तब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इसमें अगर किसी का 100% जो एग्जाम होता है साल में एक बार तो उन स्टूडेंट को इंटरनल इवैल्यूएशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बेस के ऊपर से उनको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर किसी का 11वां पॉइंट एनुअल पैटर्न नहीं है, ठीक है मतलब साल में नहीं सेमिस्टर वाइज है, तो वैसे स्टूडेंट को सेमिस्टर वाइज मतलब उनके पास एक्सपीरियंस को देख के ही मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब पिछले साल के जो भी एक्सपीरियंस होंगे उसको देख के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इधर बात कर लेते हैं 12 पॉइंट में। ठीक है, तो अगर कोई सेकेंड सेम फोर्थ सेम या सिक्स सेम के स्टूडेंट है, ठीक है तो इनको भी कैसे मार्क्स दिए जाएंगे पता है, 50-50% ही, खासकर 50-50% वाले जिनको प्रमोट कर दिया गया है उन स्टूडेंट को लेके ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 50% जो भी आपके प्रीवियस ईयर के सेमिस्टर होंगे, ठीक है उस सेमिस्टर को देख के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि एक न्यूज में बता रहा था कि हम प्रीवियस ईयर के मतलब मार्क्स को देख के मार्क्स मतलब नहीं दे सकते, लेकिन इसमें सर्कुलर मैं कुछ नहीं बोल रहा दोस्तों, जो सर्कुलर बोल रहा है जो बता रहा है मैं वही आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं मेरे तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपके जो भी पास एक्सपीरियंस आपने का मतलब दिए होंगे एग्जाम आप उस बेस पे आपको 50-50% के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ, उसी के नीचे ही बोला हुआ है, ठीक है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है,
कि आपके जो मार्क्स दिए गए हैं आप उस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो, जो जो 50-50% के बेस के हिसाब से आपको मार्क्स दिया गया आप अगर उससे खुश नहीं हो तो दोस्तों आपको ग्रेडिंग लगता है कि कम मिला हुआ है, तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हो जब कोरोना वायरस हट जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कॉलेज वॉलेज हर एक चीज प्रॉपर चालू हो जाएगा, तब आप फिर से एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा और आप वो एग्जाम में अपना फिर से एग्जाम देके अगर आपके ग्रेडिंग बढ़ते हैं आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आप बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बात जो है टीवाई स्टूडेंट को लेके है, रिलेटेड टीवाई के स्टूडेंट जो भी है उनके रिलेटेड है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम जो भी है, दोस्तों आपका एग्जाम जुलाई में तो होने वाला है, ये कंफर्म न्यूज है, ठीक है कि 1 जुलाई से आपका एग्जाम चालू करने का पूरा प्लान है, लेकिन लेकिन उदय सावंत जी ने आपको पहले ही बोल दिया था कि हम 20 जुलाई को फिर से उसके रिलेटेड इन मतलब बैठक रखेंगे, एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि रियली एग्जाम लेने का राइट टाइम है कि नहीं है, मतलब देश में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कोरोना वायरस नहीं है और सोशल डिस्टेंस हर एक चीज पूरा प्रॉपर मेंटेन कर किया जा सकता है, एग्जाम लेने के कंडीशन में अपना देश है कि नहीं, वो देख के वो डिसाइड करके ही आप लोगों का एग्जाम लेने का प्लान होगा। मतलब जितने भी टीवाई के स्टूडेंट है दोस्तों आप लोग का पढ़ना चालू रखना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, प्रमोट होने की बात भले इधर अभी भी 50-50% का चांस है लेकिन आप अपने एग्जाम की दोस्तों तैयारी करो, मेरे तरफ से एकदम सिंपल सी बात यही रहेगी, ठीक है। और जो 16 पॉइंटर्स में बोला हुआ है कि इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को सर्कुलर आ जाएगा, उस सर्कुलर में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब आपको सर्कुलर का वेट करना पड़ेगा 20 जून तक का इनका क्या आता है, वो सर्कुलर में आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जो आइडल के स्टूडेंट के लिए है, 17 पॉइंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी आपके प्रॉब्लम है, ठीक है, आइडियल के स्टूडेंट के, ठीक है, आइडियल के स्टूडेंट का हर अपडेट आइडियल के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आप लोगों को एग्जाम के रिलेटेड अपडेट होंगे वो आइडियल वाले खुद अपने वेबसाइट पे 31 मार्च के पहले अपलोड कर देंगे, और उसके पहले मतलब मेरे को तो लगता है कि परसों या कल तक का नोटिस आ ही जाना चाहिए, इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि लेट हो जाएगा, तो आई थिंक कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसके रिलेटेड नोटिस मिल जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जितने भी आइडल के स्टूडेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं पीजी वीजी स्टूडेंट को लेके, तो दोस्तों इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि उदय सावंत ने पहले ही बोल दिया था कि 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल चुका है और जितने भी पीजी के एमफिल के स्टूडेंट है उनके एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं, ठीक है, और अगर कोई ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है, 21 पॉइंट जो लास्ट का पॉइंट है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये सभी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज है, उन सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे जो बाकियों के लिए अपडेट दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा सर्कुलर था, ये सर्कुलर में इतने इंपॉर्टेंट बात किए हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि भाई आइडियल स्टूडेंट का क्या है और जो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे दिया, जितने भी आइडियल के स्टूडेंट है उनको वेट करना है कुछ दिन का, चाहे फिर वो बीकॉम हो, बीएमएस हो, बीएफ हो, बीबीआई हो, आईटी के कोई भी फील्ड के इंजीनियर के स्टूडेंट हो, जितने भी आइडल से रिलेटेड दोस्तों आपको कुछ दिन वेट करना, आई थिंक 1-2 दिन में वो भी नोटिस आ जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरा थोड़ा ऑनलाइन लेक्चर के वजह से, लेकिन मैं जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बना के दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे तरफ से हर अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आई नो कि अच्छा लगा होगा, आपको मतलब खुशी मिली होगी, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।